केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। लोकसभा चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर है। झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में लोकसभा चुनाव का सातवां चरण का मतदान होना है। इसी कड़ी में आज हम लोग राजमहल लोकसभा क्षेत्र के लिट्टीपाड़ा प्रखंड में हैं और यहां पर जेएमएम के लिट्टीपाड़ा प्रखंड के जेएमएम सचिव हमारे साथ हैं, उनके कार्यकर्ता हैं। सबसे बात करेंगे और कोशिश करेंगे जानने की क्या राजमहल फतेह होगा, राजमहल किनका होगा। राजमहल में हम लोग इस बार हैट्रिक करने जा रहे हैं। अच्छा, राजमहल फतेह होगी, जीत होगी। निश्चित रूप से। क्या लगता है अभी लॉबिन हेमरम कोई फैक्टर होगा? देखिए, लॉबिन हेमरम कोई फैक्टर नहीं है। हम लोग सांगठनिक पार्टी हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये अभेद किला रहा है। पिछले 45 वर्षों से हम लोग इस लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये किला किसी ने ध्वस्त नहीं कर पाया। ये तमाम कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है और निश्चित रूप से हमारे पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, उनको जो है इस तरह से साजिश के तहत फंसाया गया है, जिसमें आदिवासियों में काफ़ी रोष है। ग्राम में हम लोग गाँव में जाते हैं, लोगों के बीच में ये बात रखते हैं, तो उसका नतीजा है कि लोग काफ़ी आक्रोशित हैं इस मामले को लेकर के। जो आदमी झारखंड के जल जंगल जमीन की बातें करता है, वैसे व्यक्ति को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। और अगुआ आदिवासी के लिए जो इतना हित में इतनी सारी योजनाओं को जिन्होंने लाया है झारखंड में और उसका तमाम लोगों को लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है, वैसे व्यक्ति को दमनकारी नीति से जो फंसाने का काम किया है केंद्र सरकार ने, निश्चित रूप से इस बार राजमहल लोकसभा की जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी और निश्चित रूप से हम लोग इस बार हैट्रिक करेंगे। क्या लगता है जेएमएम जीतेगा राजमहल से? गारंटी गारंटी तो मोदी का है, आपका गारंटी कहाँ है? गारंटी कैसे हो सकते हैं? मतलब गारंटी मोदी की, जब मोदी के लहर में 2014 का चुनाव में यहाँ जो चुनाव उतना लहर हो के झारखंड मुक्ति मोर्चा विजय हादा ने हम लोग जीत दिखा के दिल्ली भेजने का काम किया, उस समय मोदी की गारंटी नहीं थी। मोदी गारंटी है अब? नहीं नहीं, गारंटी कुछ नहीं हो पाएगा। ये विजय हस्ता विजय रहेंगे, हैट्रिक मारेंगे, हाँ विजय रहेंगे। मोदी गारंटी? कोई गारंटी नहीं है मोदी का, यहाँ कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं है उसका। तो वो तो गारंटी दे के आता, हम जो महंगाई घटाएंगे, घटा नहीं। उसने तो बेरोजगारी खत्म करेंगे, हुआ नहीं, उल्टा हो गया। उसका कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी, कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पर विजय हंसदा, विजय हंसदा जीतेगा, विजय जीतेगा, विजय हंसदा, विजय हंसदा जीतेगा। झूठा वाला सरकार नहीं रहेगा, मोदी जीतेगा बाबा। विजय हंसदा, विजय हंसदा, किसका गारंटी चलेगा? विजय हंसदा का, मोदी जी का? मोदी जी का नहीं, कुछ नहीं। सब राहुल प्रधानमंत्री गारंटी है? नहीं, कुछ नहीं है। विजय हंसदा का गारंटी है। कोई गारंटी, किसका गारंटी, किसका गारंटी है? अभी यहाँ पर पूरा, यहाँ राजमहल छोड़ के नहीं, पूरा प्रदेश झारखंड प्रदेश में जितना महागठबंधन का प्रत्याशी, सभी सीटों में हम लोग जीत दर्ज करेंगे। इस बार मोदी का कोई लहर नहीं रहेगा, कुछ लहर नहीं रहेगा मोदी का। यहाँ अभी झारखंड में जब हेमंत सोरेन जी जेल जाने के बाद पूरा आदिवासी मूलवासी जागृत हो चुका है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई हम लोग का किंतु परंतु नहीं होगा। राजमहल लोकसभा तो पहले बार भी वो लोग मोदी यहाँ पर आए थे, फिर भी नहीं कर सका। राजमहल का तो बात छोड़िए, पूरा झारखंड का 14 लोकसभा में हम लोग जीत दर्ज करेंगे। विजय हंसदा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय जीतेगा। जो मोदी जो वादा किया था हर खाता में 15 लाख देने के लिए, 15% दिया है। हम दोनों बुढ़ा बुढ़ी में हम खुश रहे थे, मैंने दोनों बुढ़ा बुढ़ी खाता है तो 30 लाख रुपया हो जाएगा, एकदम बड़ा आदमी बन जाएगा। किसका गारंटी? विजय हंसदा का गारंटी चले। ये लोग कहना है विजय हंसदा का गारंटी है और हर हाल में जीत होगी, निश्चित रूप से फाइनल, फाइनल निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। जेएमएम के प्रखंड सचिव एवं कार्यकर्ता में पूरा उत्साह है और इस बार ही लोग मोदी की गारंटी नहीं, विजय का गारंटी कहकर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। देखते हैं 4 जून को।
केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।